जय माँ इंद्राक्षी जय अंबे इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है मैरिज एनिवर्सरी उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अंक में हम बताने वाले हैं दुर्गा सप्तशती पाठ के अनेकों लाभ वास्तव में बहुत लोग दुर्गा सप्तशती का पाठ करते समय नाना भाती की कामनाएँ साधक अपने मन में रखते हैं और भगवती की कृपा से उन सभी के कष्टों का निवारण भी होता है और उसी के साथ साथ अनेकों प्रकार की ऐसी गुप्त सिद्धियाँ गुप्त रहस्य भगवती की कृपा से प्रकट होते हैं दुर्गा सप्तशती का हमें पाठ अवश्य करना चाहिए कुछ जानकारी इस अंक में हम आपको देने वाले हैं आइए पहले आज का पंचांग देखें चौदह मार्च सन दो दिन मंगलवार संवन दो हज़ार फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष तिथि आज सप्तमी है नक्षत्र अनुराधा राहु काल तीन से साढ़े चार दिशा उत्तर दिशा अभी संवंत दो चल रहा है और आज सप्तमी तिथि है अमावस्या के बाद प्रतिपदा आएगी 22 मार्च की प्रतिपदा है और 22 मार्च से हम नए समवत्सर पिंगल नामक समवत्सर में प्रवेश कर जाएंगे और उसी के साथ हमारा संवत्सर चेंज हो के हम 79 से 80 वर्ष में प्रवेश कर जाएंगे 2080 में हम प्रवेश कर जाएंगे अंग्रेज़ी कैलेंडर क्या चल रहा है 2023 और हम प्रवेश किस में कर जाएंगे 2080 में 57 साल हम आगे हैं इस गणना से भी कैलेंडर से भी अंग्रेजी कैलेंडर से भी खैर दुर्गा सप्तशती शायद ही कोई ऐसा घर हो जहाँ पर दुर्गा सप्तशती नामक ग्रंथ न ना रखा हो मार्केंडे पुराण से लिया गया है ये ग्रंथ और ज़्यादातर गीता प्रेस का ही ये ग्रंथ सबके घर में है ठीक भी है ऑथेंटिक भी है ये तो अपनी अपनी नाना भाती की परंपराएं हैं उन परंपराओं के हिसाब से भी अनेकों साधकों के पास दुर्गा सप्तशती है तो इस बार ध्यान रखना नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का बहुत प्रेम से पाठ करना और दुर्गा सप्तशती के पाठ से वास्तव में साधक की नाना प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं दुर्गा सप्तशती में भगवती की चार स्तुतियाँ एक ऐसी स्तुतियाँ हैं आपने पढ़ी भी हों ब्रह्मा स्तुति है शक्रादि स्तुति है नारायणी स्तुति है आपने पढ़ी होंगी चार स्तुतियाँ वास्तव में वो जिंदगी को बदल देती हैं और हमारे सभी संकटों का विनाश करके हमारे अच्छे पुण्य कर्मों का उदय होता है दुर्गा सप्तशती में भगवती दुर्गा के एक नाम भी हैं बत्तीस नाम भी हैं सिद्ध कुंजी का स्तोत्र भी है देवी अथर शीर्षम भी है रात्रि सूक्त देवी सूक्त भी है बस आप पढ़ने वाले चाहिए इसका क्या तरीका होता है कैसे पढ़ी जाती है ये इस बार हम नवरात्रों से दो चार दिन पहले यानी कि अभी एक दो दिन के दो चार रोज के बाद आपको उसका संपूर्ण तरीका हम आपको बताएंगे उसे अच्छे से आप सीखिए और करिए और जो अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं वो हिंदी में पढ़ें हिंदी में कर लीजिए किसी तरह का कोई भय नहीं है और संस्कृत में भी पढ़ने के लिए हम आपको एक दो नाम सुझा देंगे उन लोगों को सुनिए आप इंटरनेट इन पे और आपको अपनी उनसे भाषा को टैली करिए आपको धीरे 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 पढ़ने का तरीका अच्छे से आ जाएगा नहीं तो फिर बिल्कुल भी आप नहीं पढ़ पाते हैं तो दुर्गा सप्तशती तो को हिंदी में पढ़िए इसमें तीन रहस्य जो हैं वो प्रतिदिन भी पढ़े जा सकते हैं और अंतिम दिन भी पढ़े जा सकते हैं ध्यान रखना सारा तरीका आपको बताएंगे आज का सब्जेक्ट है दुर्गा सप्तशती को पढ़ने वाला साधक वास्तव में अनेकों प्रकार की विजय प्राप्त करता है। आपने देखा होगा रामायण जी में जब कुंभकर्ण आपने सारी बातें सुनी होंगी कि किस प्रकार से असुरु के पास भी महाशक्तियां हुआ करती थीं और वो महाशक्तियों का प्रयोग किया करते थे असुरु के पास भी असुर भी देवी के उपासक हुआ करते थे ऐसा नहीं है कि असुर उपासना नहीं करते थे असुर भी उपासना करते थे आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो उपासना करते हैं लेकिन कई बार उनकी उपासना आसुरी रूप का रूप ले लेती है यानी कि उन्होंने कोई अच्छी उपासना की है उसको वो सद कार्यों में ना लगा करके बुरे कार्यों में खर्च करते हैं आपकी कोई भी साधना अगर बुरे कार्यों में लग जाती है तो वो आपकी आसुरी साधना हो जाती है आप ये मान के चले इसलिए एक श्रेष्ठ साधक जिस मंत्र की साधना करता है जिस मंत्र को साधता है वो परोपकार के लिए उसको प्रयोग में लाता है दुर्गा सप्शती में आपके भाग्य को बढ़ाने के लिए सर्व मंगल मांगल्य शिव सर्वार्थ साधी के कितना प्यारा मंत्र है दुर्गा सप्शती में धन धान्य की प्राप्ति कराने के लिए सर्वाबाधा विनिरमुक्तो धन धान्य सुतानवित तो मनुष्य मत प्रसाद भविष्य न सचय कितना अच्छा मंत्र है दुर्गा सप्शती में आपके ओज को आपके प्रभाव को बढ़ाने वाला ज्ञानी नाम भी चेतानसी देवी कितना अच्छा मंत्र है जानते हैं ना आपके रोगों को दूर करने के लिए रोगानुशेषान वाला मंत्र तो दुर्गा सप्शती एक मंत्रों का एक बहुत बड़ा वांग्मय है आप बहुत अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से दुर्गा सप्शती को मन से पढ़िए और बहुत इसकी कोई जटिल विधि नहीं है और इसका जैसे आपने बहुत लोगों से सुना होगा ये किलित है इसका उत्कीलन करना चाहिए बहुत सिंपल है जहाँ पाठ विधि इसमें दी हुई है पुस्तक में वहीं पर तीन मंत्र हैं कीलन उत्कीलन के अध्याय शुरू होने से पहले पढ़ लो और बाद में पढ़ लो बस हो गया आपका उत्कीलन कीलन आदि चीज़ों को लेकर के इतना भ्रमित किया गया है लोगों को इतना डराया गया है लोगों को कि वो कुछ कर ना सकें देखो भैया आप साधारण लोग हैं ग्रस्त लोग हैं साधारण तरीके की पूजा पाठ के लिए अगर आप कीलन उत्कीलन नहीं भी करते हैं तो भी क्या आपको ऐसा विश्वास है कि देवी माता आपसे प्रसन्न नहीं होंगे ये जो जटिल प्रक्रियाएं ये लोग डरा देते हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो बहुत जटिल महाप्रक्रियाओं वाली साधनाएं करते हैं शमसान में बैठे हैं वीरान भूमि में बैठे हैं खंडरों में बैठकर के तपस्याएं कर रहे हैं और वो भी तांत्रिक विधि से तंत्र मार्ग से वो भगवती देवी की उपासना कर रहे हैं आप तो ऐसा नहीं करते आप तो केवल साधारण तरीके से धूप दीप जला करके अपनी जगदम्बे को प्रसन्न करते हैं तो इसलिए ऐसे डरावे में ना आए कि हाय मुझसे ये नहीं पढ़ा गया मुझसे ये छूट गया मैंने ऐसा नहीं किया मैंने वैसा नहीं किया ना बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है बस अपनी भगवान भावना से प्रकट होते हैं इसलिए अपनी भावना सच्ची रखना और अच्छे से दुर्गा सरस्वती को पढ़ना दुर्गा सप्तशती वास्तव में गायत्री मंत्र की तरह काम देहन हुए है गायत्री मंत्र और दुर्गा सप्तशती को अनेकों साधक अनेकों साधक इसका रसपान कर चुके हैं आनंद उठा चुके हैं वास्तव में बहती हुई कल कल कर, करती हुई गंगा हैं ये दोनों गायत्री भी और आपका ये दुर्गा सप्तशती भी पूरी दुर्गा सप्तशती में गायत्री मंत्र का संपुट लगा करके पाठ पढ़ने से भी अद्भुत चमत्कार मिलते हैं पूरी दुर्गा सप्तती में नवारण मंत्र का संपुट लगा करके या अनेकों प्रकार के मंत्र हैं मृत्युंजय मंत्र का संपुट लगा करके उनकी साधनाएं की जाती है ये भगवती इंद्राक्षी हैं ये भगवती ब्राह्मणी हैं ये भगवती कामाख्या हैं ये भगवती नैना हैं ये भगवती चामुंडा हैं ये भगवती विंध्यावाश्री विंध्या आंचल में रहने वाली भगवती हैं ये नैना हैं और यही भगवती चामुंडा हैं और यही भगवती महाकाली हैं यही भगवती दसम महाविद्याओं में वास करती हैं यही भगवती एक हज़ार आठ नामों में वास करती हैं और यही भगवती अपने प्रांतीय आंचल की जगह जगह मढ़ैयाओं में वास करती हैं नाना रूप हैं भगवती के नाना रूपों में भक्तों को प्रसन्न करने में भगवती सक्षम है इसलिए ध्यान रखना मेरे साथ को नवरात्र आ रहे हैं दुर्गा सप्तशती तो ले आना हिंदी जो हिंदी जानते हैं हिंदी वाली ले आना जो संस्कृत जानते हैं संस्कृत वाली ले आना और नहीं तो टू इन वन भी आती है संस्कृत की नीचे हिंदी लिखी होती है चाहे वो ले आना ठीक है बहुत महंगी नहीं आती सौ रुपये से नीचे नीचे ये दुर्गा सप्शती का ग्रंथ आ जाता है ला कर के पीले कपड़े में लाल कपड़े में ढाँप करके अच्छे से रखना और बाकी उसकी सारी विधि हम आपको बताते चलेंगे अभी कुछ संदेश भगवती का ही आध्यात्मिक महाशिविर होने वाला है बाईस अप्रैल को हम लोग करने वाले हैं आप लोगों के सबके सहयोग से और महाशक्ति का एक विशेष पूजन है जिसमें आपके कष्टों का निवारण होगा उसकी सूक्ष्म जानकारी मैं आपको ध्यानवाला के बाद दूंगा आइए समय उचाला ध्यानवाला का जुड़ते हैं आज की ध्यानवाला में भगवती इंद्राक्षी माँ दुर्गा से ओम सिंदूर अरुण विग्रह त्रिनय माणिक्यमोलेस्पुरास्तारानायकशेखरस्मितमुखी वापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रती सौम्यां रत्नगढस्थरक्तचरणाम् ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदिषु चापरिगान् चूलम्बुसोण्डिं शिरा शङ्खं संदतिं करिस्त्रिनयनां सर्वाङ्गभूसावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकाम् सेवे महाङ्कालिकां यामास्तु स्वपितैः हरो कमलजो हन्तुं मधुं कटवं विद्योदामसमप्रभामृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विः करवालखेटविलसा धस्ता सेविता हस्ते गदा गा सिखेखा चापम गुण तर्जनी विप्राणीलात्मिका शशिधरा दुर्गा तिनेत्र बजे कवच बना लें ध्यान करें जगजन्नी का शुभाशीष हम सब लोगों के ऊपर बरस रहा है ओम बोलते हुए नेत्र खोले सामान्य हो जाए देखो साधकों नाना भांति से हम अपने जीवन में कष्टों को भोगते हैं स्वास्थ्य के रूप में कर्ज के रूप में शत्रु के रूप में नाना भाती के रूप ऐसे होते हैं जिनमें हम कष्ट प्राप्त करते हैं और इन्हीं कष्टों के निवारण के लिए नाना भाती से सिद्ध पुरुषों ने अनुष्ठान हम सबको बताए हैं उन्हीं अनुष्ठानों में आपने देखा होगा रुद्राभिषेक है भगवान रुद्र की विशेष उपासना विशेष मंत्रों के माध्यम से की जाती है जिसे हम पाठ कहते हैं उसी प्रकार से माँ दुर्गा का भी रुद्राभिषेक होता है यानी कि देवी अभिषेक होता है तो ये देवी अभिषेक जो रखा गया है 22 अप्रैल का है दिन शनिवार का है दिल्ली एन में होगा और इसका प्रॉपर एड्रेस की जानकारी लोकेशन सारी चीज़ें हम आपको बताते चलेंगे फिर ऑफ है जो इसमें सम्मिलित होना चाहे अपने कष्टों का निवारण करना चाहे वो कर सकता है शनिवार का दिन है 22 अप्रैल का और उस दिन परशुराम जयंती भी है बहुत बड़ा भगवान का आशीर्वाद है और सुबह तकरीबन साढ़े दस बजे के आसपास से ये आयोजन प्रारंभ हो जाएगा थोड़ा गर्मियों के दिन है इसलिए जल्दी करना पड़ता है आ, मान के चलें आप दस साढ़े दस के बीच में ये आयोजन प्रारंभ हो जाएगा और उसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा तीन साढ़े तीन बजे तक आप सब लोग फ्री हो जाएंगे भोजन प्रसाद की व्यवस्था आपकी वहीं रहेगी भगवती की कृपा से और लेकिन रुकने की व्यवस्था नहीं है यह आप लोग ध्यान रखें बड़े दिन हैं इसलिए थोड़ा सा दिन भी अच्छे चुने गए हैं आप आराम से जो दिल्ली वापस आना चाहें दिल्ली वापस आ सकते हैं जो मेरठ साइड के लोग हैं वो हरिद्वार मेरठ की तरफ आराम से निकल सकते हैं जो हरियाणा के साइड के लोग हैं वो जा सकते हैं और जो बहुत दूर से लोग आएंगे क्योंकि लास्ट टाइम भी बड़ी दूर दूर के लोगों ने अपना नाम दर्ज कराया है तो खैर आपको लिए सबके लिए मेन स्टेशन दिल्ली रहेगा तो दिल्ली पहुंचने में आपको उस स्थान से मात्र एक या डेढ़ घंटा आपको लगेगा कहाँ से ट्रेनें मिलेंगी आते समय वो हम सारी जानकारी वहाँ एक हमारा एक स्टॉल लगा होगा पूछताछ केंद्र के नाम से वहाँ सारी जानकारी आपको मुहैया करा दी जाएगी ठीक है किसी तरह से आपको परेशान नहीं होना है घबराना नहीं है पूरी सपोर्ट आपके साथ रहेगी आपकी जो काम करने की एक बात है वो ध्यान रखें आप अभी से अपना नाम नंबर लिखवाना शुरू करें कितने लोग आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं ठीक है और आपका मोबाइल नंबर ये सारी चीज़ें लिखवाते जाना और आप किसी को भी अपने साथ ला सकते हैं शुद्ध मन से शुद्ध तन से आपको वहाँ आना है और प्रयास करना है सुबह साढ़े नौ तक साढ़े नौ बहुत हद दस बजे तक आपको हॉल में अपना स्थान ग्रहण कर लेना है ये जो आध्यात्मिक शिविर है आध्यात्मिक पूजन है सबके लिए निशुल्क है किसी भी तरह का इसमें कोई शुल्क दे नहीं है ठीक है और आपकी सबकी प्रेम है इसलिए सब चीज़ें भगवती करा लेती हैं हम सबसे इसमें पांच बर्तन अपने घर से लेके आने हैं क्या क्या लाने हैं एक, एक दो रोज एक दो रोज़ में सारी जानकारी दे दूँगा एक छोटी सी मेटल की मूर्ति देवी माता की जरूर ले आइए ताकि उसका अभिषेक हो जाए आप स्वयं उनका अभिषेक करेंगे और बाद में अपने साथ घर ले आएंगे और हमेशा के लिए जगजननी आपके घर में विराजमान हो जाएंगी तो बहुत अच्छा है कार्यक्रम बहुत बड़ा हो गया है इसलिए रोज़ थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते रहिए आप अपना फ़ोन नंबर और नाम वगैरह सारी चीज़ें हमारे संस्थान में नोट डाउन करा सकते हैं सुबह दस से शाम छः के बीच में स्वस्थ रहें सुखी रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं जय जय अम्बे सुहा वाला जो राज्य थे सर आप तो जो प्रयोग करना करके तो मैं प्रयोग अक्सर करता हूँ बहुत अच्छा मुझे फायदा मिलता है तो बहुत बहुत फल मिलता है उससे मुझे किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से नोट शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह दस बजे से शाम छह बजे तक हमारे विभिन्न ज्ञान वर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कार्यक्रम सबसे पहले और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।